हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैशाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स गुरुजी पर। यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 30 डेज का रीजनिंग का क्रैश कोर्स चल रहा है। हमारा टारगेट क्या है, 25 out of 25 का हमारा टारगेट है। बिल्कुल हमें 25 में से 25 नंबर लाने हैं, एक भी नंबर हमें नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं। हम डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली कॉन्सेप्ट लेकर यहाँ पर पूरा उसको क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो हम कौन कौन से जो टॉपिक है वो कवर कर चुके हैं, डाइस कर चुके हैं। डाइस से मैंने बताया था 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। एनालॉगी हम यहाँ पर कर चुके हैं, एनालॉगी से अगर मैं बात करूँ 3 प्रश्न पूछे गए थे लास्ट ईयर। क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँ, ऑड वन आउट की मैं बात करूँ, 4 प्रश्न क्लासिफिकेशन से पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। नंबर सीरीज से 2 प्रश्न आए थे, किससे, नंबर सीरीज से आपके 2 प्रश्न। लेटर सीरीज से तो नहीं आया था बट फिर भी हमने कर लिया। मिसिंग नंबर से आपका 1 प्रश्न हर शिफ्ट में आया था, मिसिंग नंबर से आपका 1 प्रश्न आया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 से 12 नंबर आपके ऐसे ही हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। और मैं अब यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग की बात करूँ, 2 से 3 प्रश्न आए थे हर शिफ्ट में, कितने, 2 से 3 प्रश्न। तो 15 नंबर का हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। जिसने ये क्लासेस नहीं देखी है आप यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, एग्जाम्स गुरुजी क्या जाना है, एग्जाम्स गुरुजी, वहाँ पर सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ आपकी यहाँ पर क्लासेस ली है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम्स गुरुजी, वहाँ पर ये क्लासेस जो भी होती है सभी की पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्स गुरुजी इन सभी क्लासेस की पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड कर चुकी हूं मैं। तो जिसने अभी तक क्या नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, काउंटिंग द फिगर्स। अगर इस टॉपिक की बात करूं लास्ट ईयर इस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे, 2 से 3 प्रश्न आपके हर शिफ्ट में आए थे। तो देखिए 15 नंबरों का पहले ही पढ़ चुके हैं, आज 2 नंबरों का और पढ़ लेंगे, है ना। तो इसकी आपकी कहीं 3 से 4 क्लासेस में ये कंप्लीट होगा, ये 1 से 2 क्लास में कंप्लीट नहीं होगा। काफी बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं कोई सा भी, सभी में ये पूछा जाता है। और यहाँ पर आपको बेस्ट अप्रोच बताने वाली हूँ इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कौन सी अप्रोच हमें यहाँ पर लगानी है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ काउंटिंग द फिगर्स, कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक फिगर दे दी, यहाँ पर फिगर दे दी, अब मैं इसमें पूछूं, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट 1 2, एक ही हो गया 3 4 5 6, कितने हो गए, 6। क्या एग्जाम में आप ऐसे गिनने बैठोगे, यही ऐसा ही आपका प्रश्न आता है। और अगर मैं काउंटिंग द फिगर्स की बात करूं तो मैंने इसमें क्या पूछा आपसे, त्रिभुज पूछा। और कौन कौन से आपके पूछे जाते हैं त्रिभुज, एक तो ट्राइंगल आपका आता है, आपसे क्या पूछता है, ट्राइंगल बताइए कितने हैं। और आपसे क्या पूछता है, वर्ग पूछता है यानी स्क्वायर पूछता है, आप स्क्वायर बताइए। और क्या पूछता है, आयत पूछता है, आयत यानी रेक्टेंगल। फिगर दे दी जाती है, ये सभी आपसे पूछा जाता है। और सीधी रेखाएं भी आपसे पूछी जाती है, सीधी रेखाएं मतलब स्ट्रेट लाइन, क्या, स्ट्रेट लाइन। और आपसे क्या पूछा जाता है, वृत्त यहाँ पर पूछा जाता है यानी सर्कल। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है त्रिभुज, वर्ग और आयत, इससे तो आपको हर शिफ्ट में एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को, आज देखते हैं यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज की गणना करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, त्रिभुज हम कैसे निकालते हैं, क्या, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज मतलब ट्राइंगल, त्रिभुज मतलब
ट्रायंगल, ट्रायंगल की हम यहाँ पर पहले गणना करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल होता क्या है। देखिए ये तीन लाइन से मिलकर बनी एक फिगर होती है। क्या होता है, तीन लाइन से बनकर एक बंद फिगर बनती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। कुछ ऐसी फिगर आपकी ट्रायंगल की होती है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ट्रायंगल, यही पूछा जाता है, इसी को ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस की वेरिएशन, कैसे कैसे आपके अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो इसमें अगर मैं बात करूं त्रिभुज की, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए आपके, एक ही तो त्रिभुज होगा, ये दिख रहा है ये एक ही त्रिभुज है। अब मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करती हूँ, इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या। अब इसमें क्या किया, लंबवत एक लाइन आ गई, क्या की यहाँ पर वर्टिकल में, यानी लंबवत एक लाइन आ गई। अब यहाँ पर एक और फिगर मैं ड्रॉ करती हूँ, इसमें कितनी लाइन्स आ गई आपकी, दो लाइन्स आ गई। अब कितनी लाइन आ गई यहाँ पर, दो। अब एक और फिगर मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करूं, तो अब इसमें कितनी लाइन हो गई, तीन लाइनें हो गई, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें अगर मैं बात करूं इसमें एक त्रिभुज है। इस वाली फिगर की अगर मैं बात करूं, इस वाली फिगर की अगर मैं बात करूं, इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए आप क्या बोलोगे, अब यहाँ पर काउंट करेंगे पहले, फिर कौन से, फिर यहाँ पर ट्रिक पर जाएंगे। देखिए एक तो आपका ये वाला त्रिभुज हो गया ना, एक आपका ये त्रिभुज हो गया, और एक ये बड़े वाला हो गया, तो कितने त्रिभुज हो गए इसमें हमारे। अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो तीन त्रिभुज हो गए ना, तीन हो गए। अगर मैं इस वाली फिगर की बात करूं तो देखिए एक तो ये वाला बन रहा है, एक ये दो, सिंगल सिंगल कितने बने, तीन त्रिभुज बने ना सिंगल सिंगल, एक दो तीन। अब देखिए दो दो को मिलाकर तीन तो बन गए, एक ये हो गया चार, और एक ये हो गया पांच, और एक ये बड़े वाला क्या हो गया हमारा छह। तो कितने त्रिभुज बन गए इसमें, इसमें हमारे छह त्रिभुज बन गए। कितने बन गए, छह। क्या हम एग्जाम में ऐसे काउंट करेंगे, नहीं। तो कैसे करेंगे आप हमें बताइए, बिल्कुल बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ नंबरिंग करनी है एक दो, और इन दोनों को जोड़ना है, एक प्लस दो कितना हो जाता है तीन, आ गए तीन त्रिभुज। इसकी बात करूं एक दो तीन, इसमें कितने हैं, इन तीनों को जोड़ दीजिए, वन प्लस टू प्लस थ्री, तो कितने हो गए, छह हो गए। कितने हो गए, छह। सेम ऐसे वन टू थ्री फोर, अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे, चार और तीन सात, सात और दो नौ, और एक दस, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए आपके, दस त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए यहाँ पर आपके, दस त्रिभुज हो गए। हमने कैसे निकाले, यहाँ पर नंबरिंग कर दीजिए और सभी को जोड़ दीजिए। अब क्या एग्जाम में आप इनकी नंबरिंग करेंगे, ऐसे नंबरिंग करेंगे एक एक नंबर की, नहीं करेंगे ना, तो क्या करेंगे। आपको पता है ना, अगर आपको n संख्याओं का टोटल चाहिए, क्या चाहिए, n प्रथम, n संख्याओं का योग कितना होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या लिखिए यहाँ पर, प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो, तो क्या होता है, देखिए आपका योग n n प्लस वन अपॉन टू, क्या होता है, n n प्लस वन अपॉन टू होता है। अब देखिए अगर हम n को दो मानते हैं, तो दो दो प्लस तीन, दो प्लस एक होगा ना बटे दो, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, तीन। अगर हम n क्या माने, तीन, तो देखिए तीन तीन प्लस एक कितना होता है, चार। अब डायरेक्ट लिखते हैं, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, तो चार बटे दो कितना हो जाएगा यहाँ पर, छह आंसर। अब देखिए सीधा माइंड में कैलकुलेशन करिए, अब चार, चार से नेक्स्ट नंबर, यहाँ पर n प्लस वन है तो यानी नेक्स्ट नंबर, तो चार से नेक्स्ट नंबर कितना होगा, पांच, चार पंजे बीस, और बीस का आधा कितना हो जाएगा, दस। तो इसमें कितने त्रिभुज आ गए आपके, दस आ गए। सिंगल आपको कई बार ऐसे फिगर भी दे देता है एग्जाम में, कई बार सिंगल ऐसे ही फिगर भी आ जाती है, या किसी और फिगर के साथ कंबाइन होके आ जाती है। क्लियर है इतना, सभी को समझ आया। पहला टाइप क्या था, ये क्या था हमारा टाइप फर्स्ट, क्या था टाइप फर्स्ट, इसमें क्या था आपकी लंबवत रेखाएं दी गई थी, इसमें क्या था त्रिभुज में लंबवत रेखाएं थी। कोई बात नहीं, हमने लंबवत रेखाओं का पढ़ लिया, अब हम कैसा पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, क्षैतिज रेखा। टाइप अब हमारा कौन सा है, सेकंड है, इसमें क्या होगा आपकी क्षैतिज रेखा होगी, जब त्रिभुज में क्या हो जाता है, क्षैतिज रेखा दे दी जाती है। क्षैतिज रेखा मतलब देखिए सिंगल एक त्रिभुज है ये, इसमें तो एक त्रिभुज होंगे, लेकिन अब हमने क्या किया, इस त्रिभुज में एक क्षैतिज रेखा खींच दी।
क्षैतिज मतलब ये बीच में एक लाइन ऐसे लेटी हुई है ना। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब इसमें क्या किया, इसमें हमने दो लाइनें खींच दी। इस वाली फिगर में हमने कितनी लाइनें खींच दी, तीन लाइनें हमने इसमें खींच दी। अब हमें यहां पर क्या बताना है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी होगी। कैसे बताएंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें आपका एक त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हैं इसमें, आपके एक त्रिभुज है। अगर मैं इस फिगर की बात करूं इसमें कितने त्रिभुज हैं, देखिए एक तो आपका ये हो गया और एक ये हो गया, दो ही तो त्रिभुज है इसमें। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक देखिए ये वाला पोर्शन हो गया ना आपका, एक यहां से लेके यहां तक दो, और एक आपका ये हो गया तीन, तो इसमें कितने हो गए, तीन। तो हम कैसे निकालेंगे, जल्दी सिंपल नंबरिंग कर दीजिए, सिंपल क्या कर दीजिए, नंबरिंग। तो यहां पर मैक्सिमम नंबर क्या है, दो, तो यही क्या है इसमें त्रिभुजों की संख्या। सेम ऐसे एक दो तीन, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी हो गई, तीन हो गई। अगर मैं इस वाली फिगर की बात करूं तो अब आपको सिंपल क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो कितने मैक्सिमम नंबर क्या है, चार, तो कितने त्रिभुज हो गए यहाँ पर आपके, चार त्रिभुज। और अगर मैं यहाँ पर सभी में त्रिभुजों की संख्याओं की बात करी हमने, तो हमने क्या पाया, जो भी आपका यहाँ पर पार्टीशन करके मैक्सिमम नंबर आता है, जो आपने नंबर लिखे, तो यहाँ पर वो ही नंबर आपका हो जाता है, उतने ही त्रिभुज आपके इसमें हो जाते हैं। क्लियर है, इसमें किसी को भी डाउट है तो आप जल्दी से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप सभी लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो सभी के साथ एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो का क्या कर पाए, बेनिफिट ले पाए। ठीक है, हमने दो टाइप यहाँ पर पढ़ लिए। अब हमारा क्या आता है, थर्ड जो आपका टाइप आता है वो आता है जब आपकी क्षैतिज और लंबवत दोनों रेखाएं हो। क्षैतिज व क्या हो, लंबवत दोनों रेखाएं एक साथ हो। अब की बार क्या हो गया, दोनों रेखाएं आपकी एक साथ आ गई, कैसे वो देखते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर डायग्राम ड्रॉ करूं, ये है और इसमें एक लाइन लंबवत भी है और क्या है, क्षैतिज भी है, दोनों लाइनें इसमें एक साथ है। तो अब आपको कैसे सॉल्व करना है, अब ये देखिए एक तो ये त्रिभुज हो गया और एक ये बड़े वाला हो गया, तो दो त्रिभुज हो गए ना इसमें, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक है, एक तो आपका ये वाला त्रिभुज हो गया और एक ये वाला हो गया, तो इस पे भी ऐसे लंबवत लाइन है और बड़े वाले पे भी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इन पर नंबरिंग करनी है। आपको पता है तीन होंगे, इसमें भी कितने होंगे, तीन, और तीन प्लस तीन कितना होता है आपका, छह। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी हो गई, छह हो गई। आपने क्या किया, सिंपल, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया, जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं वही किया हमने। यहाँ पर देखा एक त्रिभुज तो इतना हो गया और एक इतना हो गया बड़े वाला, एक तो हमारा ऐसे ये बन रहा है ना छोटा, और एक ये पूरा बड़ा बन रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसके त्रिभुज अलग निकाले और इसके यहाँ से अलग निकाले और प्लस कर दिया। देखिए कुछ लोग यहाँ पर ये भी बताते हैं कि आपने देखा यहाँ पर सिंपली लाइन करी एक और दो है ना, और इसको ऐड किया तीन। अब यहाँ पर एक दो, तो यानी दो से गुणा कर देते हैं, हमने यही तो निकाला था इस वाले में। अगर यहाँ हो तो दो होंगे, और यहाँ पे लाइन भी खींच दी तो कितने हो गए, दो गुणा तीन कर दीजिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कुछ आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैसे करें अब। इसलिए सिंपली आपको क्या करना है, जैसे ये आपको क्या मिली, क्षैतिज रेखा मिली, इसपे कितने लंब है, लंबवत रेखा है, उसके हिसाब से इस पे देखिए, इस पे कितनी लंबवत रेखा है, उसके हिसाब से इसका आंसर करिए। देखिए एक और यहाँ पर एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, उसके हिसाब से आप समझिए। अब देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, जो अभी जस्ट हमने इसमें पढ़ा वही इसमें है, इसमें कुछ डिफरेंट यहाँ पर नहीं आया, बस लाइनों की जो संख्या है वो बढ़ गई। जैसे अब मैंने अभी आपको बताया, आप इस वाली लाइन पर देखिए, ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन पर बताइए कितनी लंबवत रेखाएं हैं, एक दो तीन पोर्शन हो गए, तो यहाँ पर कितने हो गए, छह। सेम इस वाली लाइन पर बात करें, एक दो तीन कितने हो गए, छह। सेम इसकी बात करें, छह इस वाली लाइन की भी है ना, और इस वाली लाइन की बात करें, एक दो तीन, तो यहाँ पर कितने हो गए,
24 त्रिभुज आपके यहाँ पर बनेंगे। तो कितने त्रिभुज बनेंगे आपके यहाँ पर? 24 त्रिभुज बनेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी कि हम त्रिभुजों की संख्या कैसे निकाले, मैंने आपको बता दिया कैसे निकलेगी। तो चलिए इसी बात पर एक प्रश्न देती हूँ। अभी जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना कि कुछ लोग उसको गुणा करके बता देते हैं, तो उसी का एक देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल बताती हूँ क्यों नहीं करते हैं। मैं क्यों नहीं बोलती हूँ कि आप ऐसा करिए। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, आप बताइए अगर आप उसमें गुणा कर देते तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते, है ना। तो अब आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते, तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए ये जो है क्या है, एक क्षैतिज रेखा है। आप कमेंट करके आंसर लगातार मेरे पास भेजते रहिए कि क्या आंसर होगा। अब देखिए ये जो एक रेखा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसपे कितने यहाँ पर पोर्शन हो गए, देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा 10। तो इसमें कितने नंबर करे, 4 तक आए और सभी को ऐड करके 10 त्रिभुज बन गए ना। अब देखिए मैं किसकी बात करूं, इस वाली लाइन की मैं बात करूं, अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूं 1 2 3, तो यहाँ पर अब कितने बने, 6 ही तो बने, 10 तो नहीं बनेंगे ना यहाँ पर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूं तो 1 2 यानी 3, तो यहाँ पर कितने हो गए 3, 10 + 6 + 3 कितने हो गए आपके 19 त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर? 19 त्रिभुज बन रहे हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट को, ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा डिटेल में आपको फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा। ये कोर्स पूरा आपका फ्री में चल रहा है यहाँ पर यूट्यूब पर, बिल्कुल आप यहाँ पर प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 30 डेज का क्रैश कोर्स, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट टाइप देखें। अब देखिए इस पर जो बेस्ड आपके प्रश्न होंगे ना वो सभी एक साथ करेंगे, क्यों? क्योंकि आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे पूरा आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जब आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा यहाँ पर प्रश्नों को कराने का, है ना। तो फोर्थ टाइप हम यहाँ पर देखें, तो फोर्थ टाइप आपका कैसा होता है आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा, क्या होगा, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, क्या होगा, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। अब देखिए ये क्या है, ये एक आपका त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज दिया है, कोई बात नहीं। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, एक ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, अब इसमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आपके आएंगे, है ना। तो देखिए जो अंदर त्रिभुज बनेगा ना वो बाहर वाली रेखाओं को स्पर्श करेगा, टच करेगा। देखिए इसके जो ये क्या है, ये जो कॉर्नर्स है इसने क्या किया है, बाहर वाले त्रिभुज पे टच किया है। अभी यहाँ पर अभी तो एक ही त्रिभुज आया, अभी एक और त्रिभुज, मतलब ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और उसके अंदर भी आपका त्रिभुज आ गया। तो अब हम ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, इसके भी तो अंदर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगी, बिल्कुल आपको बस यहाँ पर मेरे साथ लग के पढ़ना है, कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स बनाते रहिए अपने। तो यहाँ पर अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो इसमें त्रिभुज कितने होंगे, एक त्रिभुज होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले काउंट करेंगे, मैं आपको यहाँ पर काउंट इसीलिए कराती हूँ, कई बार क्या होता है एक पोर्शन दो बार काउंट हो जाता है, जब दो तीन फिगर मिक्स होके बनती है एक फिगर तो एक ही चीज दो या तीन बार काउंट हो जाती है, और जब वो काउंट हो जाती है तो फिर आपको दिक्कत होती है एग्जाम में कि अब ये यहाँ पर ज्यादा त्रिभुज कैसे बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको साथ में काउंट कराती हुई चलूंगी। अब देखिए 1 2 3 4, ये सिंगल सिंगल 4 त्रिभुज तो हमें मिल रहे हैं ना, और एक ये बड़े वाला हमारा त्रिभुज हो गया, तो कितने हो गए 5, कितने त्रिभुज हो गए 5 हो गए ना। अब इसकी मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए 7 हो गए ना। अब देखिए हमने ये वाला त्रिभुज तो नहीं गिनाना, ये जो ये वाला त्रिभुज है ये नहीं गिना ना, ये तो गिन लिया लेकिन ये नहीं गिना, कितने हो गए 8, और एक ये वो कितना हो गया बड़े वाला 9 त्रिभुज यहाँ पर आपके हो गए, हुए ना। अब देखिए सिर्फ इसको समझ लीजिए, सिर्फ इसको समझ लीजिए और सब आपको अच्छे से खुद से समझ आ जाएगा। अब देखिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज तो कितना बना, एक ये, तो इससे कितने त्रिभुज आपके बने 4, और एक ये बड़े वाला तो था ही ना,
इससे कितने त्रिभुज बने जब आपने ये ड्रॉ किया, तो चार एक्स्ट्रा त्रिभुज बने, तो यहाँ पर चार प्लस एक यानी पांच त्रिभुज बने। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसके अंदर ये ड्रॉ करें तो कितने त्रिभुज बनेंगे, चार। इसके अंदर ये ड्रॉ करें तो कितने त्रिभुज बनेंगे, चार। लेकिन एक बाहर वाला त्रिभुज तो एक्स्ट्रा होगा ना, तो कितने त्रिभुज हो गए इसमें, नौ हो गए। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए, हमने क्या कहा, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना तो ये वाला एक बना ना, तो ये अपने साथ कितने बना रहा है, चार ही तो बना रहा है ना, तो चार और एक बाहर वाला बड़े वाला अलग से काउंट करेंगे तो पांच हो गए। सेम ऐसा इससे बना तो कितना बना, चार। इससे बना तो कितना बना, चार, और एक ये बाहर वाला, तो कितने हो गए, नौ। सेम चार 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 कितने हो गए, बारह। और एक टोटल कितने त्रिभुज आपके यहाँ पर हो गए, इससे तेरह त्रिभुज इससे हमारे हो गए। कितने त्रिभुज हो गए इससे हमारे, तेरह त्रिभुज हो गए। समझ आया सभी को या नहीं, जल्दी से वीडियो अगर समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फोर्थ टाइप कैसा था, फोर्थ टाइप आपका था त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। समझ आया। अब देखिए जो हमने अभी पढ़ा है, जो हमने लाइंस पढ़ी है, अभी इसी के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए इसी के साथ अगर आपकी लाइंस दे दी जाए, एक प्रश्न आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, अभी आपने पढ़ा है। देखिए अभी मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, आपको आंसर बताना है क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए सभी लोग। यहाँ पर एक तो ये है, एक और ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। बताइए सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या करना है, आप सभी को देना है, अलग अलग भी काउंट करके बताऊंगी, और जो मैंने आपको तरीका बताया है उससे भी बताऊंगी कैसे सॉल्व होगा। करिए जल्दी से सॉल्व सभी लोग, सभी का यहाँ पर मेरे पास आंसर आना चाहिए। क्या आंसर है जल्दी से बताइए। करिए जल्दी से सॉल्व, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का, जल्दी से सॉल्व करिए सभी लोग। अब देखिए हमने यहाँ पर, मैंने आपको बताया था ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करें, मैंने अभी आपको दो तीन तरीके कराए हैं ना। देखिए लाइंस वाला, अगर मैं यहाँ पर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो कितने हुए, चार प्लस एक, ये तो हमें पता है। लेकिन अब देखिए लंबवत लाइन है तो एक दो कितने हो गए यहाँ पर, तीन। सेम ऐसे यहाँ पर कितने हो गए, तीन, यहाँ पर भी तीन हो गए। लेकिन क्या यहाँ पर ये नौ ही जुड़ेंगे, हमने जोड़ दिए, लेकिन क्या यहाँ पर कुछ रिपीट हो रहे हैं क्या त्रिभुज, बिल्कुल यहाँ पर कुछ त्रिभुज आपके रिपीट हो रहे हैं। कौन से रिपीट हो रहे हैं, देखिए ये वाला जो है, हमने जब इसको ऐसे ऐड किया, इसमें भी जोड़ लिया और इसमें भी, सेम ऐसे ये बड़े वाला है दोनों तरफ दो बार जुड़ गया, तो ये तीन माइनस हो जाएगा ना, इसमें से तीन माइनस हो जाएगा ना, तो पांच प्लस छह कितना हो जाएगा, ग्यारह। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे आपके, ग्यारह। समझ आया कैसे मैंने यहाँ पर कराया आपको, क्या करना है आपको। देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला त्रिभुज जो यहाँ पर, ये इसमें भी हमने जोड़ लिया और इसमें भी हम जोड़ चुके थे, तो दो बार जोड़ा ना, तो ये तो हम माइनस करेंगे ना, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से मैंने आपको अलग अलग बताए हैं कि अलग अलग कैसे काउंट कर सकते हैं। अगर मैं इस वाली फिगर की बात करूं, देखिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कितना बना, चार। इसके अंदर त्रिभुज कितना बना, चार, और एक हमारा बाहर वाला, ये तो हमने काउंट कर लिया। देखिए एक दो तीन तो कितने बने, छह, लेकिन एक हम दो बार काउंट कर चुके हैं, तो एक माइनस करेंगे तो कितना होगा, पांच। सेम इसमें भी तो पांच ही होंगे और इसमें भी पांच, तो कितने हो गए आपके, तो पंद्रह हो गए। कितने ऐड करेंगे आप, पंद्रह, तो पंद्रह प्लस नौ कितना हो जाता है, चौबीस। तो यहाँ पर ट्राइंगल अगर मैं काउंट करूं तो कितने होंगे, पंद्रह। अब आप यहाँ पर ऐसे भी देख, चौबीस उसमें, सॉरी चौबीस होंगे। यहाँ पर अगर आप सिंपली काउंट करेंगे, तीन तीन छह, तीन तीन नौ, और एक देखिए ये हो गया दस, और एक ये बड़े वाला हो गया, कितने हो गए,
11 हो गए ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितने हो गए 6, कितने हो गए 6, इसमें कितने हो गए 6, इसमें कितने हो गए 6, 18 तो आपके हो गए और एक बाहर बड़े वाला हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 आपके ये हो गए ना, और एक ये वाला भी तो है, एक ये वाला भी है, तो यहाँ पर आपके 24 त्रिभुज हो गए। मैंने एक एक त्रिभुज आपको काउंट करके बता दिया कैसे कैसे मैंने काउंट करे हैं। क्लियर है सभी को? जल्दी से एक बार बता दीजिए, यस मैम क्लियर है। अगर सभी को ये चीजें क्लियर है तो एक बार जल्दी से बता दीजिए, यस लिखकर भेज दीजिए नीचे कमेंट में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। नेक्स्ट टाइप आप देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक आपको फिगर बताऊंगी, अब यहाँ पर एक फिगर बनाऊंगी, आपको बताना है उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, क्या दिया गया है? अब हमारा क्या है, फिफ्थ टाइप है। क्या है? एक त्रिभुज दिया गया है, कुछ ऐसे फिगर आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने के लिए मिल जाती है, सीधे सीधे ऐसी फिगर अगर आपको देखने के लिए मिल जाती है तो आप क्या इसमें एग्जाम में ट्रायंगल काउंट करेंगे? नहीं करेंगे ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए इसमें अगर हम गिने त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए, 9 तो छोटे छोटे हो गए और एक बड़े वाला हो गया हमारा 10, कितने हो गए 10। क्या और कोई त्रिभुज बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कैसे? अब देखिए एक त्रिभुज आपका यहाँ से ऐसे बन रहा है, बन रहा है ना, एक त्रिभुज आपका ऐसे यहाँ से बन रहा है तो कितने बन गए 2, और एक त्रिभुज आपका ये यहाँ से ऐसे बन रहा है तो कितने एक्स्ट्रा और हो गए 3। टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 13 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? टोटल 13 त्रिभुज हो गए यहाँ पर, हो गए ना। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे शॉर्ट तरीके से कि हमारा कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाए, अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 सभी में 3 3 है ना, सभी में क्या है 3 3 है, तो देखिए आपको कैसे लिखना है 1 2 3। आपने क्या किया, 1 2 3 काउंट किया, उसको सिंपली क्या लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको एक को तो आप एज इट इज लिखेंगे, इस एक को आप एज इट इज लिखेंगे जैसे लिखा गया है। अब आप क्या करेंगे, इस एक में 2 जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, इन दोनों को जोड़ेंगे अब क्या आएगा 6, आपने लिख लिया। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, अब क्या करना है, इन तीनों को आपको जोड़ देना है, तो क्या आ गया आपका 10, 10 आ गया। अब यहाँ नीचे से चलिए, इसको छोड़ना है, इसको लेना है, इसको छोड़ना है, ऐसे ही ऊपर तक जाना है आगे जब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ दिया, इसको लिया, तो कितना जोड़ा 3 जोड़ा, तो यहाँ पर आपकी त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। कितनी आई आपकी यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या, 3 आ गई, और यही हमारा आंसर है ना, देखिए 13 हमारा आंसर है। अगर इसी में यहाँ पर एक और आपका होता, इसी में क्या होता आपका, अगर एक और होता है ना, कुछ ऐसे अगर आपकी फिगर दी जाती तो आप देखिए इसमें कितने त्रिभुज होते। अब देखिए आपसे पूछा है इसमें त्रिभुज, अब जो तरीका ये बताया है सेम इसके लिए भी ऐसा होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 कितने हैं पार्ट, 4 भाग है, कितने भाग दिए गए हैं इसमें, 4 भाग आपके दिए गए हैं, 1 2 3 4। एक को एज इट इज लिखा, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 3, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 6, और इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 10। इन सभी को आपको ऐड करना है 10 और 6, देखिए यहाँ पर आपका होगा 20। आपको ये छोड़ना है, ये लेना है, ये छोड़ना है और ये लेना है, तो 6 + 1 कितना हो गया 7, तो कितने त्रिभुज हो गए 27 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हुए इस फिगर में 27। अगर आप इसमें काउंट करेंगे देखिए 10 11 12 13 14 15 16 कितने हो गए 16, और एक बड़े वाला हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर और त्रिभुज काउंट करते हैं,
एक तो ये हो गया, एक ये हो गया दो, और एक ये हो गया तीन, कितने हो गए? तीन हमने निकाल लिए, है ना। इस वाले से निकाले ना आप, देखिए तीन और एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो त्रिभुज हमने यहाँ से निकाले। और देखिए तीन से भी तो आपका एक ये बन रहा है, कितने हो गए? एक और हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक और एक ये वाला, दो, कितने हो गए? दो त्रिभुज और बन गए। तो हम इन सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 25 त्रिभुज हमारे निकल गए। क्या और भी कोई त्रिभुज यहाँ पर हमारा बन रहा है क्या? 17 और 3 20 और 5 25 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे 7 27 आ रहे हैं। अगर यहाँ पर देखिए हमने कितने काउंट कर लिए, 16 और एक बड़े वाला 17, 17 तो हम यहाँ पर काउंट कर चुके हैं, है ना। एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये, और एक हमारा तीन, तो ये हो गए, एक हमारा ये हो गया 4, और एक ये 5, और एक ये 6, 16 प्लस 1 प्लस 6 तो हमारे एक हो गए, है ना। ये तो हमारे एक हो गए। और यहाँ पर अगर मैं तीन की बात करूं, एक दो और तीन, हमारा ये हो गया, तो ये हमारे हो गए 26 हो गए ना, 26 हो गए ना। और एक देखिए आपका एक ये वाला नीचे से भी तो बन रहा है, एक ऊपर से बन रहा है और एक नीचे से, तो यहाँ पर आपके 27 त्रिभुज हो गए ना पूरे 27 त्रिभुज। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ? 27 यहाँ पर आपका आंसर हुआ। क्लियर है सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए कि यस मैम हमें प्रॉब्लम है, तो जल्दी से बता दीजिए अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। क्लियर हुआ सभी को इतना? अब देखिए एक जो आपका आता है वो आता है स्टार से, आपकी दो फिगर दी जाती है स्टार की, ठीक है। ये स्टार करके आज हम इस सेशन को यहीं पर रखेंगे, और एक टाइप आपका रहता है वो कल वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कल वाली वीडियो में भी त्रिभुज ही काउंट करना सीखेंगे और उसके साथ क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर आपकी दो स्टार की फिगर दी जाती है, एक तो ये होती है जो बिना पेन रुके बनती है ना, और एक होती है जो दो त्रिभुज को मिलाकर आपकी यहाँ पर बनती है। क्या है? दो त्रिभुज को मिलाकर आपकी फिगर बनती है। अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे? अगर इस बात इसकी बात करूं तो इसमें हमेशा 10 त्रिभुज होते हैं, कहीं काउंट करने की जरूरत नहीं है। इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 10 होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको काउंट करके भी दिखा सकती हूँ कितने हो गए, 5। अब ये वाला पॉइंट देखिए, इस वाले पॉइंट से एक ये वाला बन रहा है, इस वाले पॉइंट से देखिए एक ये वाला बन रहा है, इस वाले पॉइंट से देखिए एक ये वाला बन रहा है, इस वाले पॉइंट से देखिए एक ये वाला बन रहा है, और इस वाले से ये वाला बन रहा है। तो 5 और 5 कितने हो जाते हैं? 10 त्रिभुज आपके हो जाते हैं। इसकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसमें कितने बनते हैं? 8 त्रिभुज। कैसे? 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6। और एक ये बड़े वाला भी तो आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो कितने त्रिभुज हो गए? 6 + 2 आपके 8 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए आपके यहाँ पर? 8 त्रिभुज हो गए। क्लियर हुआ सभी को या नहीं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए नीचे सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, कि यस मैम हमें समझ आ गया है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सभी लोगों को लाइक करना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 30 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप दो दिन, मतलब एक दिन दो वीडियो को देखकर आप करिए यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर रीजनिंग में हमारा टारगेट क्या है, 25 में से 25 का टारगेट है और हमें यही अचीव करना है पूरी मेहनत और लगन के साथ। मैं यहाँ पर क्लासेस डेली अपलोड कर रही हूँ चैनल पर, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए जिसने नहीं किया है। वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जल्द ही हम मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं, इसके लिए रीजनिंग के कुछ हम डेली क्वेश्चंस करने वाले हैं।
दो तीन दिन में यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, हो सके तो वो मैं लाइव करूंगी यहाँ पर आपके साथ क्वेश्चंस को सॉल्व। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जिसने ये सभी वीडियोस नहीं देखी है वो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर सभी वीडियोस अवेलेबल है, कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।